अगर किसी आदमी से उसका सारा खजाना छीन लिया जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। ऐसा ही अभी बीजेपी को भी महसूस हो रहा है। आप देख सकते हो 2017 में 210 करोड़, 2018 में 1400 करोड़, 2019 में 2500 करोड़। इतने करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपने पार्टी फंड में लिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। और हंसी आने वाली बात यह है कि आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया, तब जितने बीजेपी वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करने में लग गए। अरे वाह वाह, क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा कदम है। मतलब ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले तक इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको रद्द कर दिया उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। और अभी कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है सरकार ऑर्डिनेंस लाके इलेक्टोरल बॉन्ड वाले सिस्टम को दोबारा से लागू कर दे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा मत करना, भक्तों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे तैसे उन लोगों ने आज पूरा दिन लगा के डिफेंड कर रखा है, पहले मोदी जी को डिफेंड किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ वाह मास्टर स्ट्रोक है करके। अब सरकार दोबारा से लागू कर देगी फिर इन्हें दोबारा से डिफेंड करना पड़ जाएगा। मतलब सरकार से निवेदन है भाई, इतना कष्ट मत दो भक्तों को, शांति से रहने दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर से बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर से करना।